हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्नोलॉ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा वीवीए की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। पहले की क्लास में हम वीवीए के बारे में डिस्कस किए थे और आज की इस क्लास में हम वीवीए के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यानी कि वीवीए एडिटर के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि वीवीई क्या होता है, डेवलपर टैब को हम यहाँ पर किस तरह से एक्टिव करेंगे, साथ ही साथ मेन्यू बार, टूल बार एंड प्रोजेक्ट विंडो, आपका प्रॉपर्टी विंडो, इमीडिएट विंडो और कोड विंडो के बारे में भी हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं इन सारी चीज़ों को। कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो वीवीए का एडिटर है, यानी कि वीवीई मीन्स विजुअल बेसिक एडिटर। तो यहाँ पर आज हम पूरी स्क्रीन पर बात करेंगे कि उसमें हम कौन कौन सी विंडोज़ को यूज़ करते हैं, क्या क्या वहाँ पर चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। पहले की क्लास में हमने वीवीए के बारे में पढ़ा था कि वीवी एक्चुअल में है क्या, हम उसका यूज़ किस लिए करते हैं और हमें उसकी नीड क्यों होती है, और जो आपका बेसिक था कि वीवीए का एडिटर हम कहाँ से लेके आए, उसका डेवलपर को हम किस तरह से एनेबल करेंगे, ये सारी चीज़ें। मैं आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर पूरे एडिटर की जो पूरी विंडो है हमारी, उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी और साथ में एक बार आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी यहाँ पर कि हमारा जो डेवलपर है वो किस तरह से हम यहाँ पर एनेबल कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो मेरा डेवलपर है वो ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिव है। चलिए हम यहाँ पर एक बार इसको डिसेबल करके बाद में अनेबल करेंगे। तो सबसे पहले हम गए अपने ऑफिस बटन पर, उसके बाद हम यहाँ पर चूज कर रहे हैं एक्सेल ऑप्शन को, यहाँ हमने क्लिक किया। उसके बाद हम यहाँ करेंगे शो डेवलपर टैब, इसको हम अनचेक कर देंगे एंड देन ओके। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो डेवलपर टैब अभी तक यहाँ पर शो हो रहा था वो अभी यहाँ से क्या हो चुका है कि रिमूव हो चुका है। चलिए हम देख लेते हैं अब हम उसको किस तरह से यहाँ पर एक्टिव करेंगे, मीन्स किस तरह से हम यहाँ पर एनेबल करेंगे। तो सेम जैसे हमें वहां से हमने रिमूव किया था, तो यहाँ पर हमें क्या है कि यहाँ पर एक्टिव करना है। तो सेम है, हमारा एमएस ऑफिस के बटन पर गए, यहाँ पर क्लिक किया हमने, तो देखिए एक्सेल ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहा है, इस पर हमने क्लिक किया और सिंपली आपको सामने ही दिख रहा है कि शो डेवलपर टैब इन द रिबन। मीन्स अगर हमें रिबन पे यहाँ पर शो करना है तो हमें इसको क्या करना होगा कि चेक कर देना होगा और देन हम यहाँ से कर देंगे इसको ओके। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम एनेबल करते हैं और किस तरह से हम डिसेबल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि डेवलपर टैब में क्या क्या चीजें होती हैं, कि विजुअल बेसिक का जो कोड है वो हम किस तरह से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको एक्टिव। देखिए विजुअल बेसिक का अगर हमें कोड लिखना है तो सिंपली आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि विजुअल बेसिक पे आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे एल्ट F11 क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं कि उस विंडो को यहाँ पर एक्टिव कर सकते हैं। देखिए मैंने प्रेस किया यहाँ पर एल्ट प्लस F11, तो यहाँ पर जो हमारी एडिटर है वो क्या हो गया कि ओपन हो गया। अब हम यहाँ पर बात कर लेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें होती हैं और किन किन चीजों को हमें यहाँ पर पढ़ना कंपल्सरी। तो देखिए सबसे पहले जो है ये हमारा है आपका मेन्यू बार, मीन्स यहाँ पर जितने भी मेन्यूज हैं वो आपको शो हो रहे हैं, जैसे आपका फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डिबग, रन, टूल्स, एड इंस, विंडो एंड हेल्प। तो ये सारी चीजें आपके मेन्यू बार्स हैं, जो कि ये सारे क्या है कि यहाँ पर टैब आपको दिए गए हैं। इसके जस्ट नीचे जो है ये हमारा टूल बार है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या है कि टूल प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे ये आपका यहाँ पर क्या हो गया कि व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं विंडो को। ये हमारा इंसर्ट यूजर फॉर्म, अगर हमें कोई इंसर्ट कराना है तो वो चीज हम यहाँ से कर सकते हैं। ये आपका सेव का हो गया। देन अगर आप कोई कोड यहाँ पर लिखते हैं तो उसको हम यहाँ पर रन करा सकते हैं। ये डिजाइन मोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि जब भी किसी चीज की हमें डिजाइन या फिर कुछ भी मोड करना है तो इसका ही हम यूज यहाँ पर करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर होता है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको हम प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर कहते हैं। जिस भी शीट पर हम वर्क कर रहे हैं या फिर जो भी हमारी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये हमारी क्या है कि एक्सेल पर जितनी भी शीट्स यहाँ पर क्या है एक्टिव है वो यहाँ पर शो करेगा। एक तरह से ट्री स्ट्रक्चर होता है हमारा,
कि जितनी भी चीज यहाँ पर ओपन है वो सारी चीजें हमें यहाँ पर क्या होंगी कि शो हो जाएंगी। जैसे चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर इंसर्ट में क्लिक करके हम किसी मॉड्यूल को यहाँ पर ऐड कराते हैं। तो देखिए आपका जो मॉड्यूल है वो यहाँ पर शो हो रहा है, आपको क्लियर है यहाँ पर आपका मॉड्यूल क्या हुआ कि यहाँ पर शो हो गया। चलिए अगर हमें देखना है कि हम मॉड्यूल को यहाँ पर किस तरह से रिमूव करेंगे, तो सिंपली आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पर मॉड्यूल पर और ये दिख रहा होगा आपको रिमूव, तो यहाँ से हमें क्या करना है कि यहाँ से आपको रिमूव कर देना है। तो यहाँ से आपको सेव नहीं करना है या फिर नॉर्मली सेव करके आप कैंसिल करके भी यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से इसको हटा देते हैं तो नॉर्मली हमें यहाँ पर क्या करना है कि Ctrl+R यहाँ पर प्रेस करके हम वापस से अपने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को यहाँ पर एक्टिव कर सकते हैं। याद रखिएगा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को एक्टिव करने के लिए हमें Ctrl+R को यहाँ पर प्रेस करना होता है, जिससे हमारा जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है वो क्या हो जाएगा वापस से आपको शो होने लगेगा। तो आई होप ये जो विंडो है ये आपको समझ में आ गई होगी कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्या होता है, जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं ऑब्जेक्ट्स की वो यहाँ पर शो होती हैं। सेकेंड है हमारा प्रॉपर्टीज विंडो। तो यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर्टीज विंडो पे जिस भी ऑब्जेक्ट्स पे हम काम करते हैं उसकी पूरी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर क्या होती है कि शो होती है। यहाँ से हम कुछ भी चेंजमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको अगर नेम चेंज करना है तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, यहाँ पर VVA प्रोजेक्ट जैसे दिया है तो आप यहाँ से क्या है कि नेम अपना चेंज कर सकते हैं। आपने कुछ भी XYZ या कुछ भी डाल दिया तो वो क्या होगा कि आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि मतलब हमारा कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्या होता है, प्रॉपर्टीज विंडो क्या होती है। देखिए विंडो आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम इमीजिएट विंडो। तो इमीजिएट विंडो क्या होती है, हम किस लिए यूज करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कि मान लीजिए कि अगर हमें कोई डायरेक्ट कोड लिखना है और उसके बाद उसको वहां पर क्या कराना है कि तुरंत हमें उसका रिजल्ट देखना है, तो हम यहाँ पर इमीजिएट विंडो का यूज करते हैं। आपको अगर इमीजिएट विंडो यहाँ से क्रॉस करनी है तो आप नॉर्मली इसको यहाँ से कट कर सकते हैं और उसके बाद व्यू पे जाके, देखिए व्यू पर गए हम और यहाँ से क्या है कि आपको सारी जो भी विंडो है वो हमारी यहाँ पर क्या है कि मिल जाएंगी। देखिए ऑब्जेक्ट ब्राउजर की मिल गई हमें, इमीडिएट विंडो, लोकल्स विंडो, वॉच विंडो भी मिल गया हमें, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर भी मिल गया और प्रोजेक्ट विंडो भी मिल गया। देखिए आपको यहाँ पर सारे शॉर्टकट की दिए हुए हैं, आप चाहे तो शॉर्टकट की को भी लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज आप व्यू पर जाकर भी अपनी जो भी विंडो को ऐड करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं। देखिए इमीजिएट विंडो Ctrl+G दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करके वापस से क्या है कि हमारी जो इमीजिएट विंडो है वो वापस से यहाँ पर क्या हो गई है, शो होने लगी है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये हमारा मेन्यू बार था, ये आपका टूल बार हो गया, ये आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज विंडो, इमीजिएट विंडो, सारी की शॉर्टकट की पता होनी चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के लिए हमारी क्या होती है Ctrl+R होती है, प्रॉपर्टीज के लिए F4 होता है आपका। अगर आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं तो विंडोज के साथ में F4 आप प्रेस कर सकते हैं। इमीजिएट विंडो के लिए Ctrl+G होता है। तो आई होप ये चारों पांचों चीजें आपको इजीली समझ में आ गई होंगी। चलिए हम यहाँ पर एक लिखेंगे छोटा सा कोड। तो बात करते हैं कोड की, जब हम तो हमें यहाँ पर मॉड्यूल का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमें कोई कोड यहाँ पर लिखना होता है तो हमें क्या है कि मॉड्यूल को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो मॉड्यूल ये हमारी जो है ये होती है हमारी कोड विंडो, जहां पर हम अपने कोड को क्या करते हैं यहाँ पर राइट लिखते हैं। अब बात करते हैं कोड। तो जो कोड होता है वो भी हमारा क्या करता है कि 4 चीजों को कंटेन करके रखता है, आपका प्रोसीजर, फंक्शन, प्रॉपर्टीज और डिक्लेरेशन। ये सारी जो ये चारों चीजें ये हमारी क्या होता है कि कोड इंक्लूड करके रखता है। जैसे प्रोसीजर की अगर बात करें हम, तो जो भी हमारा क्या होता है कि स्टेटमेंट मीन्स स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हमें क्या करना होता है कि प्रोसीजर की नीड होती है। जैसे सब जो हो गया हमारा, तो यहाँ पर क्या है कि एक तरह का प्रोसीजर है। और उसके बाद फंक्शन, जब हम किसी चीज को यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर हमें किसी फंक्शन को कॉल करना है तो वो वहां पर हम फंक्शन का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रोसीजर एंड फंक्शन में डिफरेंस है। प्रोसीजर क्या करता है, मतलब
जो सब प्रोसीजर या फिर आप सब रूटीन भी कह सकते हैं यहाँ पर, ये क्या करता है कि किसी स्पेसिफिक टास्क को केवल करता है, कोई वैल्यू हमें यहाँ पर रिटर्न नहीं करता है। लेकिन अगर हम बात करें फंक्शन की, तो वो क्या करता है कि हमें यहाँ पर वैल्यू को रिटर्न करता है। तो चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिख के देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है आपको सब मेन, यहाँ पर हमने ये लिख लिया और यहाँ पर हमने क्या किया कि क्लोज कर दिया। तो देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर हमें सब भी मिल गया और एंड सब भी मिल गया, मीन्स हमने रूटीन को यहाँ पर स्टार्ट किया और देन उसको क्या कर दिया यहाँ पर एंड। चलिए हमें यहाँ पर लिखना है छोटा सा कोड, तो हम नॉर्मली यहाँ पर टाइप करते हैं MSG बॉक्स। मान लीजिए कि ये पॉपअप शो करने के लिए है। यहाँ पर हमने क्या किया कि क्वेश्चन कोट्स में हम लिखते हैं जब भी, यहाँ पर लिखा हमने हेलो। चलिए ये हमने कर दिया, ये हमारा एक छोटा सा कोड है यहाँ पर MSG बॉक्स को शो कराने के लिए, मीन्स मैसेज बॉक्स को। चलिए हम यहाँ पर इसको करके देख लेते हैं रन। तो यहाँ पर आपको अगर रन कराना है तो आप माइक्रोस के फॉर्म में भी रन करवा सकते हैं। देखिए आपका जो नॉर्मल छोटा सा कोड था वो यहाँ पर आपको शो हो गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। जब हम इसको ओके कर देंगे तो वापस से हम अपनी क्या होंगे कोड विंडो पर पहुंच जाएंगे। नॉर्मली ये रन करवाया था हमने, आप चाहे तो यहाँ से भी रन करवा सकते हैं। F5 की जो शॉर्टकट की होती है उसके थ्रू यहाँ पर रन करवा सकते हैं। देखिए ये क्या है कि हम एक तरह का माइक्रो ही लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है कि माइक्रो की तरह हमें यहाँ पर रन कराना होता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की इस वीडियो में हमें यही सारी चीजें पढ़नी थी कि हमारा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्या होता है, टूल बार में क्या क्या होता है, हमारा मेन्यू बार में क्या क्या चीजें होती हैं, इमीडिएट विंडो क्या होती है, प्रॉपर्टीज विंडो क्या होती है, और एक छोटे से कोड के साथ। तो आज की वीडियो में मुझे लगता है आपने बहुत सारी चीजों को सीख लिया होगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, कुछ प्रोग्राम भी हम यहाँ पर करेंगे, तो आई होप वो भी आपको इजिली यहाँ पर समझ में आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, कुछ नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।